स्वागत है आपके YouTube चैनल फिन हाउस पे। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज को लेके बात करते हैं कि आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसा क्या न्यूज है या फिर आईआरबी इंफ्रा में ऐसा क्या चल रहा है। देखिए, कंपनी का जो शेयर का प्राइस है आईआरबी इंफ्रा का, जो कि 61.91 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब ये जो शेयर है 65-66 के आगे शेयर ट्रेड नहीं कर रहा है। बहुत दिन से इसी रेंज में जो है शेयर का प्राइस आईआरबी इंफ्रा का ट्रेड कर रहा है। आईआरबी इंफ्रा को लेकर अगर देखेंगे तो ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कंपनी है, और फिलहाल अगर देखते हैं तो कंपनी का बिजनेस क्या है आईआरबी इंफ्रा का, और कंपनी के ऐसे कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिसके चलते आईआरबी इंफ्रा को आगे चल के फायदा होगा। देखिए, आईआरबी इंफ्रा का कंपनी यहाँ पे अच्छा बिजनेस करता है, इसका अगर आगे चल के कंपनी के प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है कंप्लीट होता है, जो इसके पास कुछ लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट्स है वो अगर कंप्लीट होता है तो ही जाके यहाँ पे कंपनी का बिजनेस में जो है प्रॉफिट होगा और शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। और टोल कलेक्शन की बात करते हैं, जो कि आईआरबी इंफ्रा का एक मेजर रेवेन्यू बुस्ती की जो है सेक्टर है, जो टोल कलेक्शन है, टोल कलेक्शन पिछले 2 क्वार्टर में देखते तो आईआरबी इंफ्रा का जो है इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो टोल कलेक्शन कंपनी का अच्छा खासा हो रहा है, जो कि सही बात है आईआरबी इंफ्रा के लिए। तो अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए आईआरबी इंफ्रा के शेयर में, क्या ये शेयर या तेजी बनाएगा, क्या चल रहा है आईआरबी इंफ्रा में, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, तो स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिन हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है की बात है। यहाँ पे थोड़ा समझते हैं आईआरबी इंफ्रा के बिजनेस को लेके। आईआरबी इंफ्रा जो है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड, ये जो कंपनी आईआरबी इंफ्रा डेवलपर, ये जो है इंडिया का एक लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज है। अभी अगर बात करें तो गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है गवर्नमेंट, जैसे कि बोल सकते कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके नए नए यहाँ पे कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट की ओर से कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए, तो उसमें जो है आईआरबी इंफ्रा जैसे कंपनीज को एक बहुत ही जबरदस्त फायदा हो सकता है। हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में कंपनी काम करता है, इन्वॉल्व है कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एंड हाईवेज अक्रॉस इंडिया। टोल कलेक्शन की बात करते हैं, कंपनी जो है मैनेज एंड ऑपरेट टोल प्लाजास ऑन वेरियस हाईवेज जनरेटिंग रेवेन्यू थ्रू टोल कलेक्शन। देखिए, ये जो कंपनी के टोल कलेक्शन बताया जा रहा है, देखने को लगता है कि कंपनी का टोल कलेक्शन से कितना बिजनेस आएगा। टोल कलेक्शन कंपनी का देखते हैं तो बहुत ज्यादा हो रहा है, और इसका मतलब ये जो टोल कलेक्शन है इसे का अगर देखते हैं तो एक जो असर पड़ रहा है इसका रेवेन्यू वगैरह में, जो क्वार्टरली इसका रेवेन्यू कंपनी शेयर करता है मार्केट में। रियल एस्टेट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कंपनी का जो देख सकते हैं यहाँ पे रियल एस्टेट प्रेजेंस में, मतलब रियल एस्टेट में जो कंपनी यहाँ पे बिजनेस करता है, फोकसिंग ऑन रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एंड बीओटी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, कंपनी जो यहाँ पे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर जो है प्रोजेक्ट्स में काम करता है। व्हेयर दे बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेट इट फॉर एस बोल सकते स्पेसिफिक पीरियड एंड देन ट्रांसफर बैक टू द गवर्नमेंट। यहाँ पे थोड़ा बात को समझते हैं, कंपनी का जो बीओटी प्रोजेक्ट है इसमें क्या कंपनी कर रहा है, मतलब कोई अगर इसके पास इंफ्रा का प्रोजेक्ट आता है तो कंपनी जो है वो इंफ्रा को बनाता है और उसके बाद उसको ऑपरेट करता है। कुछ स्पेसिफाई मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफाइड ये रहेगा, पीरियड रहेगा 1 साल 2 साल 15 साल 20 साल जो भी है, उसके बाद कंपनी जो उसको ऑपरेट करने के बाद गवर्नमेंट को वो ट्रांसफर कर देता है, गवर्नमेंट को वो दे देता है। आईआरबी इंफ्रा का जो कुछ अभी मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहा है, दिल्ली मुंबई का जो एक प्रोजेक्ट है, दिल्ली मुंबई हाईवे का जो एक प्रोजेक्ट है, जो कि गुजरात इज अंडर द हाई जो है हाइब्रिड एनुटी मॉडल एंड इज करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन, जो कि अभी देखेंगे तो इसका जो है और भी यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं पैथिमकोट मंदी लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, ये इसके कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स बताया जा रहा है। चित्तौड़ का बात करते हैं तो चित्तौड़ में इसका और एक मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है, एंड यहाँ पे अगर देखेंगे तो और भी आप देख सकते हैं इसे कुछ कंपनी के मेजर प्रोजेक्ट्स, मतलब ये सब जो प्रोजेक्ट्स है कंपनी का ये एक बड़े अमाउंट का प्रोजेक्ट्स है, और ये सब प्रोजेक्ट्स जो है कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखते आईआरबी इंफ्रा तो इसमें एक फायदा हो सकता है। देखिए, अभी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, इंफ्रा को लेके, उसमें आईआरबी इंफ्रा जैसे कंपनीज को एक बहुत ही जबरदस्त फायदा हो रहा है। बात करते हैं दोस्तों आईआरबी इंफ्रा के टोल कलेक्शन को लेके, क्योंकि टोल कलेक्शन अगर देखते हैं तो आईआरबी इंफ्रा का एक मेजर पार्ट है जो इसको पैसा कमा के देता है, रेवेन्यू देता है। ऑटोमेटेड टोल कलेक्शन सिस्टम की बात करते हैं, कंपनी जो यहाँ पे यूज करता है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम। अभी आप देखेंगे तो क्या है उसको, फर्स्ट टैग है व्हिच अलाउज व्हीकल टू पास थ्रू टोल प्लाजास विदाउट स्टॉपिंग। दिस सिस्टम यूजेस आरएफआईडी टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेटिकली डिडक्ट द टोल अमाउंट फ्रॉम द व्हीकल ओनर्स प्रीपेड अकाउंट।
तो यहाँ पे कंपनी जो है टोल कलेक्शन का जो बिजनेस है, यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्टैग है, फर्स्टैग के जरिए फर्स्टैग का जो है इसका मतलब आईआरबी इंफ्रा जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। अभी बात करते हैं मैनुअल टोल कलेक्शन, अभी ये फर्स्टैग का है, अभी मैनुअल टोल कलेक्शन की बात करते हैं। अभी जो व्हीकल्स का, जो ऐसे व्हीकल्स है जिसने फर्स्टैग नहीं लगाया उसका देखते हैं, तो मैनुअल टोल कलेक्शन जो है बोथ आर ऑपरेटेड बाय ट्रेन्ड पर्सनल हु कलेक्ट टोल फीस इन कैश और थ्रू कार्ड पेमेंट्स। तो यहाँ पे इसका एक जो टोल कलेक्शन का मॉडल हो गया बिजनेस का, वो हो गया फर्स्टैग जो कि ऑनलाइन है, और एक जो है वो है मैनुअल टोल कलेक्शन। सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग की बात करते हैं, टोल प्लाजा आर इक्विप्ड विद सीसीटीवी कैमरास एंड अदर सर्वेलेंस सिस्टम्स टू मॉनिटर ट्रैफिक फ्लो एंड एंश्योर सिक्योरिटी। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टोल जो है, अभी कोई अगर टोल नहीं देके वहां से मतलब टोल जो है वो पास ले लेता है, तो ये सब जो है सीसीटीवी लगा के रखा है, जहाँ पे कंपनी क्या मतलब अगर कोई ऐसा है मतलब जो व्हीकल्स जिसके पास है तो वो जो है पता चल जाता है कंपनी को। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक तरीके से कंपनी का जो टोल कलेक्शन है, कंपनी उसमें कुछ भी आईआरबी इंफ्रा जो उसमें कुछ भी छूट नहीं देना चाहते हैं, मतलब अगर किसी ने ऐसा किया भी तो उसको पकड़ लेता है आईआरबी इंफ्रा, सीसीटीवी वगैरह लगा के रखा है कंपनी। अभी यहाँ पे आईआरबी इंफ्रा का जो टोल कलेक्शन है, आप समझ पा रहे हैं कि टोल कलेक्शन क्यों इतना ज्यादा मजबूत है आईआरबी इंफ्रा का, और टोल कलेक्शन पे आईआरबी इंफ्रा क्यों ज्यादा ध्यान देता है। बात करते हैं कंपनी का डेटा एनालिटिक्स की, दे यूज डेटा एनालिटिक्स टू मॉनिटर ट्रैफिक पैटर्न्स, पीक आवर्स एंड टोल कलेक्शंस एफिशिएंसी। दिस डेटा हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेशंस एंड प्लानिंग फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। एंड यहाँ पे बात करते हैं कस्टमर सर्विस की, टोल प्लाजा जो है ऑफन हैव कस्टमर सर्विस सेंटर्स टू असिस्ट कम्यूटर्स विद एनी इश्यूज रिलेटेड टू टोल पेमेंट्स, फास्टैग रिचार्जेस एंड अदर इंक्वायरीज। तो एक बात अगर यहाँ पे समझते हैं तो आईआरबी इंफ्रा को लेके, आईआरबी इंफ्रा जो है टोल कलेक्शन, देखिए सिर्फ टोल कलेक्शन के लिए कंपनी ने कितने सारे यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है, कस्टमर केयर बिठा के रखा है, डेटा एनालिटिक्स जो यहाँ पे कर रहा है कंपनी, और यहाँ पे देखेंगे तो सीसीटीवी वगैरह बिठा के रखा है, मैनुअल जो है टोल कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मतलब जो है मोस्ट कैसे जो है पर्सनल ट्रेन्ड रखा है इन लोगों ने। तो बोल सकते कि एक तरीके से टोल कलेक्शन को जो है आईआरबी इंफ्रा चाह रहे कि और ज्यादा मजबूत करे। अभी कंपनी के बिजनेस को थोड़ा यहाँ पे जो समझ में आ रहा है, आप देख पा रहे कि टोल कलेक्शन कंपनी का एक मेजर पॉइंट है जहां से कंपनी को अच्छा खासा बिजनेस होता है, रेवेन्यू होता है। और बात करते हैं कंपनी का आईआरबी इंफ्रा का जो इंफ्रा का प्रोजेक्ट है, उसमें से भी कंपनी को एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट मतलब जो है बिजनेस होता है। जैसे कि बीओटी की बात करते हैं, जहां पे कंपनी पहले कुछ इंफ्रा रहेगा तो उसमें जो है वो बनाता है, उसको ऑपरेट करता है, और बाद में जो उसको गवर्नमेंट को दे देता है। गवर्नमेंट के इंफ्रा के जितने भी कुछ बड़े प्रोजेक्ट है उसका एक फायदा जो है आईआरबी इंफ्रा को होता है। आईआरबी इंफ्रा का जो बोल सकते हैं कि मतलब इसका जो बिजनेस है, बिजनेस यहाँ पे मजबूत है, बहुत सारे कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स हैं, और यहाँ पे एक चीज जो है आईआरबी इंफ्रा का, जहाँ पे अगर देखते हैं तो कंपनी जो है इसके जो प्रोजेक्ट्स है, कुछ जो मेजर प्रोजेक्ट्स बताया जाता है कंपनी के, जो कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स है आईआरबी इंफ्रा का, उसका अगर देखते हैं तो ज्यादातर बोल सकते हैं कि मेजर प्रोजेक्ट इसका जो है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब अभी ऐसा नहीं कि मतलब कंपनी का जो मेजर प्रोजेक्ट्स अगर देखती है तो 2039 2042 तभी जाके ये सब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनाने वाला कंपनी है, ऐसा हमें लगता है। आपको कैसा लगता है दोस्तों आईआरबी इंफ्रा का शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।